हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें, लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर भी करें जिनसे और लोग भी हम तक पहुंच पाए। ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ना ही ये कोई सूत्रों से खबरें हैं, ये खबरें हैं कोई जो हमने बिल्कुल अपनी आंखों से देखी है कि कोई भी MC स्टैंड पोस्ट कर रहे हैं उस पर क्या चल रहा है, MC स्टैंड कोई भी पोस्ट कर रहे हैं उसके नीचे कमेंट में क्या चल रहा है, और जो कहीं ना कहीं अंदेशा था वो होता हुआ अब दिख रहा है, और इसके पीछे किसका है हाथ और क्यों आ रहे दो फैंडम बिल्कुल आमने सामने, जो कि उन्होंने स्टार्टिंग के टाइम पे ये चीजें देखी थी। जो लोग स्टार्टिंग से या पहले से फॉलो करते हैं MC स्टैंड और MEP बंटाई को, तो ये चीजें उनके लिए शायद बहुत ही साधारण होगी, उन्होंने काफी देखी होंगी। लेकिन जो बिग बॉस की एक ऑडियंस है, हम जैसी ऑडियंस, वो अब देख रहे हैं कि काफी भैया तूतू मैमे चल चुकी है। यहीं पे अगर देखा जा रहा है कि जैसे ही MC स्टैंड कोई पोस्ट डालते हैं तो वो किसी को तंज और कुछ इशारों में कहने की कोशिश करते हैं, और टी शर्ट पे भी जैसे आप देख सकते हो उन्होंने बैक साइड में लिखा कि अमीरी, बिल्कुल अमीरी, जो कह रहे थे कि इंडस्ट्री के लोगों को झूलता है वैसा ऐसा और बदल गया है, काफी नाम लिया MEP बंटाई ने, सपोर्ट किया उसके बाद अगेंस्ट जाना, तो यही चीजों का जवाब दे रहे हैं। और उसके नीचे अगर कोई भी पोस्ट MC स्टैंड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसके नीचे MEP बंटाई फैंडम भी अपनी ताकत और अपनी बहुमत और अपनी शब्दों से सीधा सीधा अटैक कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ पुरानी चीज़ें भी लेके आ रहे हैं, और बिल्कुल जैसा कि वो कहते हैं जादू, तो जादू भी दिख रहा है कमेंट के अंदर, झूलते हुए भी दिख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो MEP बंटाई ने अपने रैप के अंदर कही थी वही चीज़ें फैंडम भी सीधा सीधा अटैक कर रहा है MC स्टैंड को, क्यों कर रहा है और क्या आप कुछ और होने वाला है, या एक तरफ से तो वार हो चुका है, MC स्टैंड भी कुछ ऐसा रैप या कोई डिस कर सकते हैं जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें दोबारा से जो चीज़ें खत्म हो गई थी, जो चीज़ें प्यार में बदल गई थी, जिसके लिए वोटिंग अपील हो गई थी, उसके बाद सब कुछ कपिल शर्मा शो के अंदर बिगड़ गया, जहां पे एक सवाल पूछ लिया कपिल ने कि बताया भाई ये खुजामत किसके लिए निकाला था, तो MC ने कहा उसी फनी वे में उन्होंने भी कहने की कोशिश करी, जैसा सवाल आया वैसे उन्होंने आंसर भी दिया कि भाई था कोई, लेकिन उन्हें भी नहीं पता ना कि अब आपने इतने MC स्टैंड आपको पता है इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, तो या तो टीम को बताना चाहिए था कि MEP बंटाई ने आपको सपोर्ट किया, शायद MC स्टैंड को वो पता ही नहीं होगा, तो बहुत सी चीज़ें चली। और यहाँ पे MEP बंटाई ने अपने रैप पे ये भी कहा कि तूने कॉल करके सॉरी कहा और तेरे को माफ़ किया, बहुत कुछ सुनाई दिया, ये सब कुछ चला, तो क्या दोबारा से वही रंजिश दोबारा देखने को मिलेगी। और जो दो फ्रेंड आप देख सकते हो जो भी पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे एक MEP बंटाई की कंपनी उतरती है, और वो डायरेक्ट पुरानी चीज़ें नई चीज़ें बिग बॉस की कपिल शर्मा शो की सब कुछ लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हम हैं MEP बंटाई के साथ, और MC स्टैंड फैंडम भी वहाँ पे जवाब दे रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जैसे कि हमने देखा है, तो इसका जवाब MC स्टैंड बहुत जल्द देंगे ऐसी पूरी उम्मीद है, और जो शूट चल रहा है उसी के अंदर शायद कुछ सुनाई दे जाए। और कहा भी MC स्टैंड ने कि बिल्कुल इंडस्ट्री के अंदर आए हैं भाई कमाने, और पूरा कमा के जाएंगे, कंपनी ऐसे ही रह जाएगी। तो कुछ चीज़ें चल रही है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मीडिया कर्मी भी पहुंच गए केप टाउन, उस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, तो प्यार देना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। मिलते रात के लाइव में, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, बिग बॉस OTT सीजन 2 की भी कई अपडेट हमारे पास आएगी और वो हम आपको बताएंगे, जुड़े रहे हमारे साथ, और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, हमारी बिल्कुल डिबेट भी होगी, रिव्यू भी होगा, सब कुछ होगा, और खतरों के खिलाड़ी पे भी पूरी नज़रें रखाए बैठे, लेकिन OTT पे करते ना पहले बात, क्योंकि OTT पहले आ रहा, और बिग बॉस के तो हम सभी कहते हैं ना हार्डकोर फैन हैं। तो मिलते हैं बाद में रात की लाइव में।